रानीगंज सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में डकैतों के गिरोह 1,80,00,000 रुपए के गहने लूटकर फरार होने में हुए सफल, परंतु पुलिस की मुठभेड़ के कारण लूटे गए 2,70,00,000 के गहनों से भरा बैग शोरूम में ही छोड़कर हुए फरार। वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए फोरेंसिक टीम की ली जा रही है मदद। रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम से डकैतों ने लगभग 2 करोड़ रुपए के गहने लूटे हैं, जबकि शोरूम से लूटे हुए गहनों का एक बड़ा हिस्सा डकैत शोरूम में ही छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ज्वेलरी शोरूम के मालिक की तरफ से थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में लगभग 1,80,00,000 रुपए मूल्य के गहने लूटे जाने की बात कही गई है। हालांकि ज्वेलरी शोरूम से लूटे गए लगभग 2,70,00,000 रुपए मूल्य के गहने डकैत अपने साथ नहीं ले जा सके। पुलिस के साथ जब डकैतों की मुठभेड़ हो गई, तब डकैत गहनों से भरा बैग शोरूम में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। डकैती कांड की जांच कर रही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। डकैती कांड में झारखंड से गिरफ्तार सूरज कुमार सिंह से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर उसके फरार साथियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। डकैतों ने जिस तरह से शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम दिया, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि उनके गिरोह में शामिल सभी डकैत पेशेवर अपराधी थे। इतना ही नहीं, अपराधियों ने जिस तरह के घातक हथियार ले रखे थे, उससे पता चलता है कि वे किसी बड़े गैंग के सदस्य हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने निश्चित रूप से ज्वेलरी शोरूम की रेकी की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रेकी करने के बाद ही अपराधियों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने फरार होने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया, वो भी चौंकाने वाला है। अपराधियों ने नेशनल हाईवे 60 से भागने के बजाय दूसरे रूट का इस्तेमाल किया, जिससे कि वे पुलिस की पकड़ में न आ सके। शोरूम में डकैती करने के बाद डकैतों का दल बाइक पर सवार होकर रानीगंज के राजपाड़ा, महावीर कोलियरी, निमचा, जेके नगर, डामरा से मोहिशिला इलाके में पहुंचे, जहां डकैतों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर उनकी कार लूट ली और फिर उसी में सवार होकर झारखंड के तरफ भाग निकले। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट। गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेंपल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, तो फिर देर किस बात की। आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।